बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो बस। Simplistic solution for enabling tutors to interact with students in real time. Quick access to manage enrolled students. All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's number one teaching app. Teachmint. Atmanirbhar Bharat ka apna app. Aasan hai. Download now. भाई आज का ये वीडियो स्कॉलरशिप Q&A वीडियो होने वाला है, यानी कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपने जो भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेंशन किया था उसका आंसर आज के इस वीडियो में मैं आपको करने वाला हूँ। तो अगर आपने भी UPI स्कॉलरशिप 2021 से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में मेंशन किया था क्वेश्चन को, तो इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको आंसर उसका मिल जाएगा। चले, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है अलकमा रहमान जी का। ये कहते हैं, भाई मेरी नॉन रिफंडेबल फ़ी 30,000 है, यानी कि 30,000 है, और स्कॉलरशिप 7,800 ही आया है। OBC से हूँ, क्या सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी? तो देखिए, आपकी जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है वो कितनी है? 30,000 है, और आपकी अभी तक कितनी आई है? 7,800, यानी कि अभी आपकी 8,000 भी पूरी नहीं आई है ना। तो आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आने के चांसेस हैं, वेट कीजिए, 15 अप्रैल तक लगभग सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी। ठीक है, तो रहमान जी वेट कीजिए, स्कॉलरशिप आ सकती है। और इस तरीके का भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि बजट बीच में कम हो गया था, लेकिन बजट फिर से बढ़ गया है, तो लगभग सभी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं। तो वेट कीजिए, आपकी स्कॉलरशिप की जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन शर्मा जी का। ये कहते हैं, सर मेरा यही मैसेज है, सेम में जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, स्कॉलरशिप भी 11,840 आई है और आएगी या फिर नहीं? एंड नहीं आएगी तो इतनी कम क्यों? मेरी कॉलेज फ़ी 31,000 है, क्यों नहीं आएगी, टेल मी सर। तो देखिए सचिन जी, आपकी जो स्कॉलरशिप है अभी तक 11,840 आई है, ठीक है, यानी कि और आपकी जो कॉलेज की फ़ी है वो 31,000 है। ठीक है, तो अगर आपकी जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है ये 31,000 है और आपकी अभी तक 11,840 आई है, तो आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आने के चांसेस हैं, इसलिए वेट कीजिए, आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ सकती है, दूसरी किस्त आ सकती है, जिससे आपकी स्कॉलरशिप कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो अभी टाइम है, 15 अप्रैल तक वेट कीजिए, लगभग सभी स्टूडेंट की 15 अप्रैल तक आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि केवल आप ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलना है, तो किसी स्टूडेंट की आज आ रही है, किसी की कल आ रही है, किसी की परसों आ रही है, इस तरीके से स्कॉलरशिप आ रही है, इसलिए वेट कीजिए, आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ सकती है। नेक्स्ट, पिंकू गंगवार जी कहते हैं, ब्रो मैं BEd सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, OBC, मेरी ग्रेजुएशन में 53% है, क्या स्कॉलरशिप नहीं आएगी? तो देखिए पिंकू जी, आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जिनका 52% था, फिर भी स्कॉलरशिप आया था। अगर आपका DWO यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से वेरीफाई हो चुका है तो स्कॉलरशिप आएगी, वेट कीजिए। हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप लास्ट में आए, है ना, लेकिन आएगी। अगर आपका DWO यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से वेरीफाई है तो आप वेट कीजिए, स्कॉलरशिप आपकी आ सकती है, लास्ट तक आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। हम कह सकते हैं 15 से 20 अप्रैल, यानी कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। और आप एक काम और कीजिएगा, आपके आधार से लिंक जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनमें चेक करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके अदर अकाउंट्स में स्कॉलरशिप क्रेडिट हो जा रही है, तो आप टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप जो है ये अपने बैंक अकाउंट में चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट, सिंह सूरज ये कहते हैं, मेरा तो कुछ नहीं आया भाई, मैसेज भी आया है। हमने एक वीडियो बनाया था कि समाज कल्याण विभाग यानी कि सोशल वेलफेयर ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज स्टूडेंट्स के पास आ रहा है, तो उसी पर इन्होंने कमेंट किया था, मेरा तो कुछ नहीं आया है भाई, मैसेज भी आया है। तो सूरज जी वेट कीजिए, 2 से 4 दिन में आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, अगर आपका
समाज कल्याण विभाग की तरफ से SMS आ चुका है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ठीक है। 4 से 5 दिन या फिर 2 से 3 दिन स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट, कृष्णा यादव, PFMS पर शो कर रहा है, कब तक अकाउंट में आएगी? तो कृष्णा जी देखिए, PFMS पर अगर आपका अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो 2 से 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि 2-3 दिन पहले PFMS पर शो हो रहा था और उसके 1 से 2 दिन बाद बैंक अकाउंट में मेरे क्रेडिट हो गया था, ठीक है। तो वेट कीजिए, 1 से 2 दिन 3 दिन में बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट, बलवंत यादव, ये कहते हैं मेरी कब तक आएगी प्लीज़ रिप्लाई सर, इनका क्वेश्चन है, नीचे देख लेते हैं। सर मेरा 16 फरवरी को वेरीफाई हुआ था लेकिन अभी स्कॉलरशिप नहीं आई है, OBC कैटेगरी BTech फर्स्ट ईयर है, मेरे कुछ दोस्तों का इसी दिन वेरीफाई हुआ था, उनका कल आ गई। यानी इनके जो फ्रेंड्स थे, इनके जो दोस्त थे, उनकी बिल्कुल साथ में ही वेरीफाई हुआ था, उनका स्कॉलरशिप आ चुका है, इनका अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो बलवंत जी, अगर आपका भी DWO से वेरीफाइड है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपकी भी स्कॉलरशिप बहुत जल्द आएगी, 2 से 4-5 दिन में, कह सकते हैं कि 15 अप्रैल तक लगभग सभी की आ जाएगी, इसलिए वेट कीजिए, यही आपके पास ऑप्शन है, लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है, क्योंकि आपको जो प्रोसेस करना था वो आपने कर दिया है, अब जिम्मेदारी उनकी है, किसकी, समाज कल्याण विभाग की, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, वो आपके बैंक अकाउंट तक स्कॉलरशिप पहुँचाएँ, ठीक है, इसलिए वेट कीजिए, आपकी भी आएगी। नेक्स्ट, निशी सौरभ, हमारे पास भी ऐसा मैसेज आया था और स्कॉलरशिप भी 33,000 यानी कि 33,000 आया है, मेरा भी अमाउंट दूसरे अकाउंट में ही आया है, मैं भी जनरल कैटेगरी से हूँ, तो क्या सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी? अब फीस तो 51,250 जमा हुई थी। तो देखिए, अगर आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ी जो है वो 50,000 तक है, यानी कि 50,000 तक है, 50,000 से ऊपर है, और आपका कितना आया है 33,000, तो वेट कीजिए, आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी कि दूसरी किस्त आ सकती है, जिससे आपका स्कॉलरशिप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 15 से 20 अप्रैल तक वेट कीजिए, स्कॉलरशिप की जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो आएगी। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारे पास भी ऐसा मैसेज आया था और स्कॉलरशिप भी इतना 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 आई है, मेरा भी अमाउंट दूसरे अकाउंट में ही आया है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है कि उन्होंने जो अकाउंट नंबर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था उसमें नहीं आ रहा है स्कॉलरशिप, बल्कि आधार नंबर से लिंक दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो जा रहा है, इसलिए आपके जो अदर अकाउंट्स हैं तो आप उनमें बैलेंस चेक कर लीजिएगा, एक आधार नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट लिंक है आप सबका बैलेंस चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आई है या फिर नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शोभित पाठक ये कहते हैं भाई ये बताइयो कि जिनकी आधी भी नहीं आई है और मैसेज आ गया है तो सेकेंड आएगी जर्नल की? तो देखिए शोभित जी, वेट कीजिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ सकती है, बिकॉज इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है बजट को लेकर, तो 164 करोड़ प्लस जो रुपए हैं वो समाज कल्याण को और भी मिल गए हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो जनरल वालों का मैक्सिमम चांस है कि उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा, इसलिए वेट कीजिए, आपकी स्कॉलरशिप आएगी। गौरव कुमार, सर मैसेज तो आ गया है बट स्कॉलरशिप नहीं आए है अकाउंट में, यानी इनके पास समाज कल्याण विभाग यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आ चुका है, SMS आ चुका है, बट अभी अकाउंट में इनका अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। तो गौरव जी वेट कीजिए, 2 से 4 दिन में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा स्कॉलरशिप। दिनेश पाल ये कहते हैं मेरा भी दूसरे बैंक में आया है, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि एक आधार नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट लिंक है उनमें से किसी भी में आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है, किसी भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है, इसलिए आपको अपने आधार नंबर से लिंक जितने भी बैंक अकाउंट हैं उसमें बैलेंस चेक कर लेना है, ठीक है, जैसा कि दिनेश पाल जी के साथ भी हुआ है ये बता रहे हैं।
ठीक है। सिद्धांत राजपूत ये कहते हैं मैसेज आया है बट अभी तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं आई है सर, प्लीज़ हेल्प क्या करो, सजेस्ट मी। तो सिद्धांत जी वेट कीजिए, आपकी भी आएगी 15 अप्रैल तक, 15 से 20 अप्रैल तक वेट कीजिए, ठीक है। चले नेक्स्ट, माधवी सोनी, सर मेरी आज स्कॉलरशिप आ गई है। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है कि स्कॉलरशिप आज नहीं आ रही, लेकिन दूसरे तीसरे दिन उनकी स्कॉलरशिप है आज आ रही है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, वेट कीजिए। अगर आपका TWO से वेरीफाइड है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी ही आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में होगी, ठीक है। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स से यही कहना है कि वेट करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परेशान होने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपको जितना काम करना था, फाइनल सबमिशन और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कॉलेज में दिखाना और सारी चीज़ें, वो सब आप कर चुके हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कि वो स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करें, वो डायरेक्ट चाहे PFMS पर, ठीक है। इसलिए आप लोग वेट कीजिए, आप सभी की स्कॉलरशिप आएगी और आपका DWA से वेरीफाइड है तो। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, पेशेंस रखिए, सभी की स्कॉलरशिप आएगी। थैंक यू सो मच।